नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं आंध्रा भवन में। आंध्रा भवन में हमारे साथ हैं जयभवन चटर्जी, जो बहुत समाज सेवी भी हैं और बहुजन समाज की बातों को बहुत अच्छे से रखते हैं। जयभवन जी, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जो ये मीटिंग है उसका क्या एजेंडा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आज की जो हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है उसका मेन उद्देश्य है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, क्या करना चाहिए समाज। आज की तारीख में सब विचलित है और ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या करना है। इसका हम आज फैसला लेंगे। या दिल्ली के, हिंदुस्तान के, बाहर के भी बहुत लोग आ रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग ये फैसला लेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो बड़ी भयानक है। क्योंकि कांग्रेस का हमने लगभग 7 साल तक देखा है, उन्होंने भी हमारे लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया। जो थोड़ा बहुत बहकाया है बस बहकाया है, बहकाने के अलावा कुछ खास हुआ नहीं। कभी भी आरक्षण पूरा नहीं हुआ, उनके यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया था, इनके यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन। क्या इनके यहाँ तो सीधा ही सेल शुरू हो गई है, जितने भी बड़ी PSU जो सब बेच रहे हैं उसमें आरक्षण का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने पूरे 60 साल तक कोई आर्थिक कार्यक्रम हमारे लोगों के लिए चलाया, अलग से कोई चलाया ना, कोई शिक्षा का चलाया। आज जवाहर नवोदय विद्यालय खुल सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय विद्यालय नहीं खुल सकते। हम बहुत देर से चिल्लाते रहे, कोई काम हो करके नहीं दिया, इसका हमें दुख है। और जो आज भाजपा है, भाजपा ने तो बिल्कुल ही गदर मचाया हुआ है। हमारे लोग चारों तरफ मारे जा रहे हैं, सबके साथ जुल्म जास्ती हो रही है। वो सब नीतियाँ अंदर 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 इस तरह की नीतियाँ बन रही है जिसको के हमें जहाँ से हम चले थे वहीं पहुँचाने की पूरी तैयारी हो गई है। अब हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि ना तो हम कांग्रेस के पास जा सकते, ना हम भाजपा के पास जा सकते। भाजपा बोलती है कि हम ये करेंगे, लेकिन करने के नाम पर जीरो और बल्कि अत्याचार बढ़े हैं, हमारे लोगों के साथ जुल्म जास्ती डे बाई डे बढ़ती तो गई है, कब नहीं हुई। और यहाँ का ये प्रधानमंत्री हमारा ऐसा है कि वो एक शब्द भी कभी बोलता नहीं है, दलितों के इस हित में कभी कोई बात करता नहीं है जिससे कि आम जनता पे कोई असर आए। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, बुद्धिजीवी वर्गों को बुलाया है, इसमें गिने चुने आदमी बुलाए गए हैं और देश से, और इसमें आज फैसला लेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि आज जो हालात हैं हम लोगों के थोड़े ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं हालत। कुछ जो शहरों में है यही ज़िंदगी जी रहे हैं, बाकी लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। 2 टाइम की रोटी लोगों को बहुत आज नहीं है, ज़मीन जायदाद हमारे पास नहीं है, कोई रोज़गार धंधे नहीं है, प्राइवेटाइजेशन सारा हो गया, उसमें हम लोगों को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों के लिए ऐसा हो गया है, एक तरफ कुआ है एक तरफ खाई है। तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आता कि अब ऐसे हालात में हम लोगों को क्या करना है। इसलिए सब भाइयों को बुलाया कि समाज की मीटिंग बुलाई जाए और समाज तय करे कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोग भाजपा की तरफ को बहुत झुके हैं, भाजपा की तरफ को हमारा काफ़ी रुझान है। क्योंकि एक बहन मायावती जी ही एक ऐसी लीडर है जो सख्त है, जो इस देश में कानून व्यवस्था को ठीक कर सकती हैं, और उनके जो बस एक कमी है कि वो लोगों के बीच में आती नहीं है, लोगों की बात सुनती नहीं है, लोगों को मिलने का टाइम नहीं देती है। ये एक बुरी बात है, उसको मिलना चाहिए, सबकी बात मानना चाहिए। हमने उनको अपने एजेंडा दिए हैं, हमने उनको कहा है कि एजुकेशन के ऊपर वार करो। आपने एजुकेशन यदि एक सी कर दी बराबर और सभी के लिए कर दिए और निःशुल्क एजुकेशन कर दी, तो इस देश का गरीब आदमी पढ़ लिख करके वो भी बराबरी पे आने की कोशिश करेगा। दूसरा, हमने हेल्थ का कहा, गरीब का बच्चा गोली के बिना मर रहा है, दवाई के बिना मर रहा है, यदि उसके लिए कोई इंतजाम हो जाए, उसके लिए सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसकी गोली दवाई उसका इलाज फ्री हो, स्वास्थ्य सेवाएँ फ्री हो गरीब के लिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। तीसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि इस देश को बर्बाद करने वाली एक कौम है वो है ब्राह्मण कौम। जब तक हम इन ब्राह्मणों को पार्लियामेंट हाउस से बाहर नहीं करेंगे, जब तक हम इनको देश में इनको ठिकाने नहीं लगाएंगे, तब तक इस देश में हमारा भला नहीं हो सकता। क्योंकि ये 95% पोस्टों के ऊपर सब जगह ब्राह्मण बैठा है, चाहे अदालतों को ले लो, चाहे आप पार्लियामेंट को ले लो, चाहे मंत्रालय को ले लो, चाहे राज्यों को ले लो, कहीं भी ले लो, हर जगह ना जिसकी आबादी 3-4% के बीच में है
कुछ आबादी भी नहीं है, वो ही सब जगह बैठा है। और अंग्रेजों ने तो यहाँ तक कहा था कि इस ब्राह्मण को न्यायिक व्यवस्था से दूर रखना चाहिए, ये इम्पार्शल नहीं है, ये बेईमान कौम है, ये कभी भी फैसला इम्पार्शल नहीं लेती है। इसलिए आज हमें जो पूरा हम लोग चाहते हैं कि ये देश ब्राह्मण हर व्यवस्था से बाहर हो जाए, क्योंकि जो ये लोग आज आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, सारे जज सब ब्राह्मण हैं। नीचे जाइए हाई कोर्ट देखिए, उनमें 95% सब ब्राह्मण हैं, दलित को लेते नहीं हैं। बार बार झगड़ा होता है, बाबा साहब ने उसी टाइम एक कर दिया था कि जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए, उसके अनुसार वे चुन करके भेजें, या मनमर्जी से जिसको चाहे उसको जज बना लेते हैं। ये कौन सा तरीका है? ऐसा कोई तरीका होता है क्या? चाहे आदमी कैसा भी हो, तो जो पार्टी आती है वो अपने अपने जज बनाती रहती है, जो भी पार्टी आएगी सत्ता में वो ही अपने जज बनाती है। तो यहाँ जो कांग्रेस है वो भी ब्राह्मणवादी पार्टी है, जो बीजेपी है वो भी ब्राह्मणवादी पार्टी है। तो हम लोगों को ऐसी पार्टी चाहिए जो सर्वहित की हो, सर्वजन की हो, जो सबको साथ लेके चले और ब्राह्मणों से मुक्ति मिले। जो ब्राह्मणों से मुक्ति दिलाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जयपाल जी, एक बात बताइए, आपने बताया कि ब्राह्मण हमारे देश पे कब्जा करके बैठे हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जबकि 85% जो देश की जनसंख्या है वो बहुजन समाज की है, तो बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं एकत्रित हो जाते हैं और उनको अलग कर देते हैं? देखिए, आपस में जो ब्राह्मण यहाँ का था उसने इस तरह से जातियों में भेदभाव करके बांट करके, जातियों को बांट करके इस तरह के हालात पैदा किए हुए कि बंदर बाद बंदर की कहानी आपने सुनी होगी। बंदर कभी इस पलड़े को भारी कर देता, कभी उसमें से टुकड़ा उठाता, इसमें से खा लेता, वही हालत ब्राह्मणों ने की है। ब्राह्मणों की चाल की वजह से ही ये सारे के सारे बहुजन समाज एक नहीं हो पाए। मेरा ये मानना है कि यदि ब्राह्मण को अलग कर दिया जाए तो ये बहुजन समाज अपने आप एक हो जाएगा। जो जाति पाति पैदा की है ये ब्राह्मणों ने की है, ये मनुवादी व्यवस्था ब्राह्मणों की पैदा की हुई है और ब्राह्मणों में इस देश में सर्वोपरि दर्जा दिया। मेरा तो ये मानना है कि ब्राह्मण को सबसे नीचे वाली पोस्ट पर रखना चाहिए, इसको बजाय के सबसे ऊपर ये अपने आप बना हुआ है। इसको इतना चालाक है, इसने पिछली जातियों का जो शोषण किया है, दलितों का तो शोषण हुआ ही है लेकिन जो पिछली जातियों का शोषण है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन पिछली जाति क्योंकि वो आर्थिक रूप से थोड़ा जमीन जायदाद के रूप से वो थोड़ी मजबूत रही है इसलिए वो दिखाई नहीं देता, लेकिन 2-3-4 कम्युनिटी को छोड़ करके बाकी सबकी हालत तो दलितों जैसी ही है। इसलिए इस देश में पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत है और ऐसी व्यवस्था को हम, मेरे हिसाब से जो मैंने महसूस किया, मायावती एक हमारी सर्वानी सर्वजन की लीडर हो सकती है, बहुजन समाज की लीडर हो सकती हैं और यदि उनको मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि देश में एकता स्थापित होगी, सबको न्याय मिलेगा, किसी के साथ जुलम जाती नहीं होगा, ऐसी मेरी सोच है। जयकुमार जी, एक बात बताइए, अगर 2019 के अंदर कुमारी मायावती आती है तो ऐसा कौन सा काम कर देंगी जो जिन्होंने जो अभी तक बाकी रह गए हैं, जो बाकी सरकारों ने नहीं करे? देखिए, ऐसे तो सारे काम पड़े हैं, एक तरफ से यदि गिनाऊंगा तो मेरे अभी मैं आपको गिनवा देता हूँ, मेरे पास 84 पॉइंट का एजेंडा है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको सारा लग जाएगा। हम लोग इसमें आपको बता देंगे, एजुकेशन एक होगी, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलेगी। जब एजुकेशन और स्वास्थ्य का दो काम है, ये दो काम पहले हो जाए तो बाकी काम है। अब इस देश में ये बताइए, मेरे हिसाब से तो यहाँ MP को पेंशन मिलती है, मेंबर पार्लियामेंट को पेंशन किस बात की मिलती है? वो सेवा के लिए आते हैं, उनको जब चाहे तनख्वाह बढ़ा बढ़ा के उन्होंने अपनी कर ली। उधर तो दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही, लोग भूखे सो रहे हैं, एक तरफ तो ये हालात है, एक तरफ तुम जो अनिल अंबानी MP रहे उनको पेंशन मिलती है। क्यों? पेंशन सिर्फ उसी आदमी को मिलनी चाहिए जो ये एफिडेविट दे कि मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मुझे पेंशन की आवश्यकता है, मेरे पास खाने पीने के कोई साधन नहीं है। सिर्फ उसी आदमी को पेंशन मिलनी चाहिए। उन लोगों को पेंशन जो बचती है वो लोग गरीब को लाएं, गरीब के लिए पूरे 5 साल होने वाले हैं, एक भी काम हुआ है तो बताओ, किसी को रोजगार मिला है तो बताओ, किसी को जमीन बटी है तो बताओ, किसी को रहने के लिए प्लॉट मिला है तो बताओ। जो मकान हम दिए जा रहा है उसमें गाय भैंस भी क्या, उसमें सुअर भी नहीं घुस सकते, जिसमें जो मकान हुआ ये प्रधानमंत्री आवास योजना, वो सब लोगों को एक छोटा सा कमरा जिसमें एक बेड भी अच्छी तरह नहीं बिछ सकता, उसमें कैसे परिवार रहेगा? माँ भी रहेगी, बहन भी रहेगा, बाप भी रहेगा, बेटी भी जवान रहेगी, एक ही कमरे में कौन कौन आदमी रह सकते हैं? ये इस देश की
गरीबों की व्यवस्था को खराब करने की इनकी चाल है, नीयत इनकी खराब है, इनकी नीयत में खोट है, ये नहीं चाहते। इंटरनेशनल लॉ है कि 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट या फ्लैट या कारपेट एरिया का रेजिडेंशियल मकान एक परिवार के लिए होना ही चाहिए। ये सब ताक पर रख देते हैं, इन्होंने मेंबर हैं ये, उसके इंटरनेशनल लॉ उसमें साइन किए हुए हैं, लेकिन 60 मीटर क्या है, 12 मीटर में 18 मीटर में मकान बना कर दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये लोग काफिर लोग हैं, ये काफिर कहते हैं मुसलमान, मुसलमान इस देश का फिर भी अच्छा, लेकिन काफिर है तो ये ब्राह्मण कौम काफिर है जिसने इस देश को बर्बाद किया है और इस देश में इतनी ऊंच नीच और इतना गरीबी अमीरी का अंतर बढ़ा दिया है। जो तो ये बार बार सरकारें तय करती हैं हम 10 साल में बराबर ले आएंगे, 10 साल का तो छोड़ो, इन्होंने अभी 70 साल होने का, बराबर की तो बात दूर करो, एक और एक लाख का अंतर पैदा कर दिया है। अंतर होना चाहिए तो 1 से 5 का अंतर भी हो तब भी हम लोग मान लें, किसी आदमी को तनख्वाह यदि 1 लाख मिलती है तो किसी गरीब को 5,000-20,000 तो मिलनी चाहिए, यहाँ 5,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, ये क्या तरीका है, ये मजाक है। आज सफाई कर्मचारियों की हालत इस देश में कितनी बुरी है, आप सफाई कर्मचारियों को दिए सारा दिन उसे झाड़ू लगवाएंगे, गंदे गंदा काम कराएंगे और तनख्वाह देंगे 8,000 रुपये, वाट इज नॉनसेंस, ये सब बकवासबाजी है। और इस आदमी को जो ज़्यादा काम करे, जो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, उस आदमी को सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि 1 लाख किसी बड़े अधिकारी को तनख्वाह मिलती है तो सफाई कर्मचारी को भी 1 लाख ही मिलना चाहिए, तब जा कर के उसका उद्धार होगा। ये उद्धार क्या करते हैं, ये तो शोषण कर रहे हैं, ये सरकार ये सब शोषण के लिए बनी है। इस जब तक इस देश में बहुजन की सरकार नहीं बनेगी और मायावती जैसी मुख्यमंत्री जो रही हैं, जिन्होंने दिखाया है, ऐसी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, हमें नहीं लगता कोई आदमी इस देश में उद्धार करे। क्योंकि जितने भी आदमी और हमारे रहे हैं, उन्होंने मान लिया मुख्यमंत्री कई रहे हैं, हमने सबके मुख्यमंत्री काल देखे हैं, कोई भी आदमी, कोई भी मुख्यमंत्री ने गरीबों की तरफ पूरा बराबर ध्यान नहीं दिया। ठीक है जुलम जाती नहीं हुई, लेकिन उनके फायदे के भी तो काम नहीं किए जबकि उनको मौका मिला, सिवाय मायावती ने जो किया है अपने जितने भी हमारे पुराने समाज से भी रहे हैं, जो भी हमारे नेता रहे हैं, उनकी मूर्तियां लगाना, उनका का पूरा क्या है, लोगों को याद दिला दिया कि ये आपके पूर्वज हैं, इनका याद रखो, इन्होंने आपके लिए जान दी है। तो ये बहुत काम है करने का, और वो सिर्फ हम समझते हैं मायावती कर सकती है, और हमें नहीं लगता कोई मायावती के अलावा कर सकता है। आप थे हमारे साथ जयभवन जाटव जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इस वक्त ज़रूरत है बहुजन समाज को एकत्रित होने की, और बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए बहन कुमारी मायावती को हाथ मजबूत करें।